जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास टेंथ मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अभ्यास 12.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। देखिए दिया हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 60 डिग्री दी गई है। संग तो आपसे कहा जा रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए चाप जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो संगत चाप की लंबाई के लिए फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। यहाँ हम नोट कर लेते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा, हमने फार्मूला बताया था आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फार्मूला बताया गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में पाई का मान कुछ अलग से नहीं दिया है, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 60 और नीचे है 360 इंटू 2, पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे है 21। चलिए देखें, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कटा देंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से हम कटा दें तो ये 3 हो जाएगा, और 7 से कटा देंगे तो 7 * 3 = 21 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चाप जो आएगा, सब कुछ कट जा रहा है, 22 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई निकल गई। अब इसके बाद सेकंड में हम देख रहे हैं चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड। सामने देखिए, ये जो पूरा त्रिज्यखंड देख रहे हैं, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड हम देख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, आप देखें फार्मूला आपको मालूम है, ये होगा आपका थीटा अपॉन 360 और फिर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फार्मूला आपको मालूम ही है। तो अब हो जाएगा यहाँ पर, देखें थीटा और आर की वैल्यू रखते हैं। चलिए देख रहे हैं, अब सबकी वैल्यू हम रखते हैं तो थीटा के जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7 और फिर आर की वैल्यू है 21। यहाँ हम रख देते हैं तो 21 * 21 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और फिर देखिए क्या होगा, फिर ये 7 * 3 = 21 हो जाएगा और फिर 3 से कटा देंगे तो ये 3 * 2 = 6 हो जाएगा और 2 से कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 11 * 21, तो अब हम यहाँ पर गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 231 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद देखते हैं
थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? थर्ड में आपसे कहा जा रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत जीवा कौन होगा? तो ये होगा, और संगत जीवा के द्वारा जो वृत्त खंड, ध्यान दीजिए ये है वृत्त खंड, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपको बताया गया था, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और ये हमने आपको बताया था कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इस फार्मूले का हम प्रयोग कर देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखिए थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर इसको हम सॉल्व किए हैं तो ये 231 आ गया है, 231 और माइनस हो जाएगा आपका फिर ये हाफ और आर का स्क्वायर 21 का वर्ग, तो 21 का वर्ग हो जाएगा 21 इंटू 21 और फिर साइन थीटा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये है 231 और ऋण 1/2, 21 में 21 का गुणा कर देंगे तो 441 हो जाएगा, और फिर ये साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो चलिए शेष भाग को हम यहाँ इधर की तरफ सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है 231 और माइनस देखिए ये है 441, रूट 3 की वैल्यू जो होती है वह 1.73 होती है, और या नहीं तो इसको जो है रूट 3 के ही रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम रूट के ही फॉर्म में अगर लिख दें तो ये 231 माइनस ये हो गया आपका 441 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आई और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल था वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल था वो 231 माइनस 441 अपॉन 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, वृत्त जिसकी त्रिज्या दी गई है और ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा, जीवा वृत्त की जीवा आप जो देख रहे हैं यही वृत्त की जीवा है, और यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 रूट 3 की वैल्यू 1.73। तो ये देखें ये लघु वृत्त खंड होगा, तो हम लोग पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और देखा जाए कि ये क्षेत्रफल कितना होगा, तो जैसा कि फार्मूला हमने आपको बताया था कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता। और सुन लीजिए, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
तो पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से है लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, थीटा के जगह पे 60/360, पाई के जगह पे 3.14 और आर का स्क्वायर 15 का वर्ग हम यहाँ लिख देते हैं 15 और गुणे 15 और माइनस हाफ, फिर यहाँ भी आर स्क्वायर ये हो जाएगा 15 × 15 और फिर थीटा के जगह पे हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इससे इसको कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6×6=36, 6 हो जाएगा और फिर 3 से अगर हम इसको कटा दें तो 3×2=6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3×5=15। और फिर देखते हैं, अब ये हो जाएगा आपका 3.14 और ये देखिए × 5×15 तो 15×5=75 हो जाएगा, ये हो गया 75 और नीचे हो गया 2 और माइनस, जरा देखिए ये है 15 में 15 का गुणा कर देंगे 225 हो जाएगा, 225 और नीचे है 2 और फिर sin 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो पहले 3.14 में हम 75 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है देखें इन दोनों यानी 3.14 का 37.5 में मल्टीप्लाई किए तो ये 117.75 आया और फिर देखिए 225 में 2×2=4, 4 से भाग दे दिया गया है तो 56.25 आया और इकरणी में 3 है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 117.75, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 57.3125 और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। अब आपसे कहा जा रहा था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होगा तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस ये आपका 20.4375 ये हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है ये 3.14 और आर की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा 225 और ऋण हो गया 20.4375। तो अब जो है इनका गुणा कर लिया जाए और इनका गुणा करके इसमें से 20.4375 को घटाया जाए तो हमको निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार देखें जब 3.14 का 225 में मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आपका 706.50 आ गया और ये 20.4375 पहले से ही था, जब हमने माइनस कर दिया तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस प्रकार आपसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा था और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट होता है। इस प्रकार आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।